वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं लेकर आई हूँ आप सभी के साथ में एक और न्यू व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरा ना जस्ट हाथ जल गया था, तो वो कैसे जला मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं ना अभी झाड़ू लगा के आई थी बालकनी में, और सिस्टर ने यहाँ पर ना पानी लगा के रख दिया था। तो पहले तो मुझे पता था कि यहाँ पर ना पानी लगा हुआ रखा है, लेकिन मेरी बुद्धि है ना, वो ही कहते ना कि बुद्धि जब ख़राब होती है तो पता नहीं चलता समय कब ख़राब हो जाता है। तो मुझे अच्छे से पता था कि इसमें गर्म पानी है, लेकिन मैं एग्जैक्ट टाइम पर जैसे ही आई ना, तो वहाँ पर मैं भूल गई कि इसमें गर्म पानी है। तो मैं धोने गई थी हाथ, क्योंकि मुझे पीना था पानी झाड़ू लगाने के बाद। तो जैसे कि वॉश बेसिन बाहर है, तो वहाँ तो मैंने टंकी खोल के हाथ नहीं धोए। मैंने क्या किया, बाल्टी में देखा पानी के, इसमें बाल्टी में पानी भरा हुआ है, तो चलो इससे धो लेती हूँ। मैंने जैसे ही उसमें हाथ डाला, भाई रे भाई, मेरा हाथ जल गया। सच बता रही हूँ, मेरे मुंह में से चीख निकल गई, और दीना दौड़ी दौड़ी आई कि क्या हो गया, कैसा नहीं करंट लग गया हो, बिजली ने पकड़ लिया हो। सच में मेरा हाथ इतना जल गया था बहुत ज़्यादा। जैसे तैसे जाके उसको फिर मैंने पानी में रखा, और फिर थोड़ा सा एक इसमें क्रीम वगैरह लगा ली थी, तो अब जाके कहीं मेरा हाथ ठीक हुआ है। लेकिन मैं फिर भी उसको ना बार बार, कई बार उसको हाथ को मैं देख रही थी, क्या हो, मैंने कहा अभी कैसा ना हो कहीं छाले वगैरह पड़ जाएं, क्योंकि छाले पड़ जाते तो फिर हाथ में वही ना कि काम करना है, सारी चीज़ें हैं, फिर हाथ को लेके कब तक बैठे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हुआ था मेरे साथ अभी फ़िलहाल में। और मैं आ गई यहाँ पर पानी लेके बालकनी में, क्योंकि मुझे धोनी है सबसे पहले तो बालकनी, क्योंकि बाहर का रोड होता है, धूल मिट्टी इतनी हो जाती, तो यहाँ पर पोछा नहीं लगाते हैं, क्योंकि प्लांट्स में भी पानी देना होता है, तो सबसे पहले तो प्लांट्स में पानी दे देती हूँ, और उसके बाद में फिर यहाँ पर एक बाल्टी पानी से बालकनी भी धुल जाएगी। और जो सामने की अपनी बालकनी के साइड की जो सड़क है, और जहाँ पर प्लांट्स वगैरह बाहर रखे हुए, तो वहाँ भी पानी पड़ जाता है, तो उसके नीचे की भी सारी जगह ना साफ़ हो जाती है। पता है क्या है कि इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लोर पर वो कोई रहता है जिसके पास में पैरट है, दो तीन पैरट हैं, तो वो ना क्या करते हैं, उन्होंने जाल सा बनवा लिया, और वो बालकनी से बाहर उनको बिठा देते हैं जाल पर, तो उनकी जो छेर वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें उनकी, वो वीट नीचे आ जाती है, और उसको फिर वो गंदा सा लगता है, तो वो रोज़ ना साफ़ करना पड़ता है। फ्रेंड्स, चैनल पर कोई भी न्यू है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, इससे आप लोगों को एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ फिर से यहाँ पर बाथरूम में, तो अब तो मुझे नहीं जलना, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें गर्म पानी है। कुछ भी बोल रहा था कि ताता है तो जल जाओगे, उसको मत छुओ, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा साइड कर दिया था।
क्योंकि अभी लेना है मुझे यहाँ पर पानी, तो लगा देती हूँ मैं यहाँ पर अपने घर में पहुँचा, क्योंकि सफ़ाई तो मैंने ऑलरेडी इसमें कर ही दी थी, झाड़ू वगैरह यहाँ पर साफ़ सफ़ाई जो डस्टिंग थी वो मैंने कर दी थी, तो अभी मुझे लगाना है पोछा, तो मैं लगा देती हूँ फटाफट से। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा।
सर्दियों में बालकनी में इतनी धूप नहीं आती है, कम से कम 2 बजे के आसपास आती है और आधा पौन घंटे के बाद में चली भी जाती है। लेकिन गर्मियों में इतनी धूप रहती है, सुबह 10-11 बजे से आती है और शाम को 5-6 बजे तक धूप यहाँ तक रहती है। मतलब वही वाली बात हो गई ना कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हमारे पास चीज़ नहीं होती, जब उसकी नीड नहीं होती तो वो हमें भरपूर मिलती है। तो वही है यहाँ पर ना इसका भी, धूप का हिसाब। तो फ्रेंड्स, कर दिया है मैंने यहाँ पर अंदर सफाई और कारपेट वगैरह जो भी यहाँ पर होती है, तो वो फिर मुझे फिर उसके बाद में पंखा चला दिया था तो फिर सारा सूख गया है। तो यहाँ पर मैं इसको बिछा देती हूँ और बाकी का जो मेरा काम था, आलमोस्ट मेरा टोटल काम हो चुका है, केवल अपना लंच वगैरह बनाने को रह गया, तो वो बनेगा अभी थोड़ी देर बाद। तो आज तो मैं, मेरा हाथ जल गया तो मैं ना परेशान हो गई, उसकी वजह से मैं यहाँ पर लेट गई। मैं बोल रही थी भाई मेरा तो हाथ जल गया, तो वैसे तो ये है कि हाँ अभी इतना भी नहीं जला था, तो जलन वगैरह इतनी कम हो रही है इसमें क्योंकि मैंने ना जब भी ट्यूब लगा लिया था। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब अपनी काम की तरफ। बाय बाय।